उपचुनावों में बीजेपी ने 8 राज्यों की 10 विधानसभा सीटों में से 5 पर कब्जा जमा लिया। कांग्रेस को 3 सीटें हासिल हुई हैं। दिल्ली में रजौरी गार्डन सीट से बीजेपी अकाली गठबंधन के उम्मीदवार मनजिंदर सिंह सिरसा 14,652 मतों से जीते। यहां आपकी जमानत जब्त हो गई। हिमाचल की भोरंग सीट पर बीजेपी के अनिल धीमान ने 8,290 वोट से जीत हासिल की। असम की धेमाजी सीट पर बीजेपी के रानोज पेंगू ने 9,285 वोट से जीत दर्ज की। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ सीट पर बीजेपी प्रत्याशी शिव नारायण सिंह ने कांग्रेस की सावित्री सिंह को करीब 25,000 मतों से ज्यादा से शिकस्त दी। वहीं मध्य प्रदेश के अटेर सीट पर कांग्रेस के हेमंत कटारे ने भाजपा के अरविंद भदौरिया को हरा दिया। राजस्थान की धौलपुर सीट पर भाजपा उम्मीदवार शोभा रानी कुशवाहा विजयी रहीं। मोदी जी ने देशभर में ऐसा नेतृत्व दिया है कि हर प्रदेश हर विधानसभा मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ना चाहती है। उधर कर्नाटक की 2 विधानसभा सीटों नंजनगुड़ और गुंगलूपेट में हुए उपचुनावों में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने जीत दर्ज करके इन दोनों सीटों को अपने पास बरकरार रखा। कर्नाटका विल डेफिनेटली यू नो गिव मोर स्ट्रेंथ टू कांग्रेस एंड फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स वी विल डेफिनेटली बिल्ड आवर पार्टी इन अ स्ट्रॉन्गर वे। पश्चिम बंगाल की कांठी सीट पर टीएमसी की चंद्रिमा भट्टाचार्य ने 42,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की। इसके अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के साइमन मरांडी ने लिट्टीपाड़ा विधानसभा उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार हेमलाल मुर्मू पर जीत दर्ज की। गो न्यूज़ ब्यूरो।